लाइफ में सक्सेस होने के लिए कुछ ऐसा करो जो आज तक किसी ने ना किया हो, या कुछ इस तरीके से करो जिसे कोई कर ना सके। यदि हमें लाइफ में बड़ा बनना है, कुछ अच्छा करना है, अपने लिए कुछ करना है, दूसरों के लिए कुछ करना है, तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा मैं कौन हूँ। जब तक हमें अपनी पहचान नहीं है, हम कुछ अच्छा कुछ बड़ा नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें अपने आप को जानना जरूरी है, मैं कौन हूँ, हु आई एम, मैं हूँ कौन। जिस दिन मैंने अपने आप को पहचान लिया मैं कौन हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे अपनी पहचान हो गई। एक बिजनेसमैन है, उसको पता है कि मुझे प्रतिदिन सुबह 11 बजे जाना है, अपनी दुकान खोलनी है और पूरा 100% अपनी दुकान में पूरा अपना तन मन धन पूरा दिमाग इसी में लगाना है कि मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, मुझे सक्सेस होना है। वो पूरा 100% उसी में दे देगा, उसी के लिए काम करेगा, उसी के बारे में सोचेगा और उसी के लिए हमेशा प्रयास करता रहेगा, क्योंकि उसने अपने आप को पहचान लिया मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे अपनी दुकान को बिजनेस को आगे बढ़ाना है, पैसे कमाना है। शाम को आएगा, रात को 10 बजे तक रात को उसी में लगा रहेगा, एक ही काम, मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। ऐसे ही हमें यदि कुछ बनना है तो हमें पहचानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। और यदि अंदर से आवाज आ जाए कि आई एम स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ, तो विद्यार्थी का काम क्या होता है, स्टूडेंट का काम क्या होता है, तो जो स्टडी करता है वो स्टूडेंट है। तो क्या हम उतनी स्टडी कर रहे हैं जो हमें एक अच्छी जॉब दिला सके, जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सके? इतनी अच्छी स्टडी हम क्या ईमानदारी के साथ स्टडी कर रहे हैं? यदि नहीं कर रहे तो हम सच्चे स्टूडेंट नहीं हैं, क्योंकि अब मैंने अपने आप को पहचान लिया कि आई एम स्टूडेंट। और स्टूडेंट का काम क्या होता है, स्टडी करना। तो उतनी मेहनत से, उतनी ईमानदारी से हमें स्टडी करनी पड़ेगी, जो स्टडी हमें कोई एक अच्छा इंसान बना दे, एक अच्छी जॉब दिला दे, हमें एक सक्सेसफुल इंसान बना दे। अब यदि मैंने पहचान लिया है कि मैं स्टूडेंट हूं और मुझे स्टडी करनी है, तो स्टडी करने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा कि स्टडी करने से मुझे क्या मिलेगा। मैं यदि स्टडी अच्छे से करता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? तो सबसे पहले तो एक लक्ष्य बनाएं कि मैं स्टडी क्यों कर रहा हूं। यदि मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूं तो मेरा लक्ष्य है मुझे इंजीनियर की एक अच्छी पोस्ट प्राप्त करनी है, एक अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए है, और जब तक मुझे वो पोस्ट नहीं मिल जाएगी, मेरे लिए मेरी स्टडी के अलावा, मेरी पढ़ाई के अलावा और कोई अच्छा नहीं है। एक दिन मान लो हमने मेहनत की और स्टडी के बलबूते पर, अपनी पढ़ाई के बलबूते पर हमने एक जॉब प्राप्त कर लिया, हमारा लक्ष्य बदल जाना चाहिए। लक्ष्य के बारे में सबसे बड़ी बात तो यह है कि लक्ष्य होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि लक्ष्य समय, परिस्थिति और योग्यता के अनुसार बदलते रहना चाहिए। यदि मैंने जॉब प्राप्त कर ली तो मेरा आगे लक्ष्य बढ़ जाना चाहिए, अब मेरा लक्ष्य यहीं तक नहीं है, अब मैं जिस कंपनी में, मुझे उस कंपनी की टॉप पोस्ट तक जाना है, उस पर पहुंच गया, उसके बाद सोचना है मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरी खुद की ही कंपनी क्यों ना हो। तो लक्ष्य भी समय और परिस्थिति के अनुसार बदलना है, लेकिन इतना करने के लिए हमें पढ़ाई ईमानदारी के साथ करनी पड़ेगी। ईमानदारी आप समझ सकते हैं कि हमें उस जिस पोस्ट तक पहुंचना है, उस पोस्ट के लिए जितनी पढ़ाई आवश्यक है, जितनी स्टडी आवश्यक है, क्या मैं उतनी कर रहा हूं? यदि कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसको इतना समझना है कि मेरे 3 और 4 साल की मेहनत, 3-4 साल यदि मैं अच्छे से पढ़ता हूं तो मुझे एक अच्छी पोस्ट मिल सकती है। 3 और 4 साल की मेहनत हमें एक अच्छी पोस्ट दिला सकती है, अच्छी जॉब दिला सकती है। और वही यदि 3-4 साल हमने मौज मस्ती में, घूमने फिरने में, मूवीज देखने में, व्हाट्सएप और फेसबुक में यदि बर्बाद कर दिए, तो वो 3-4 साल हमें आगे के 50 साल तक पछतावा देंगे। अब हमें आगे की 50 साल की लाइफ देखना है, या स्टूडेंट की ग्रेजुएशन की 4 साल की लाइफ देखना है। यदि 4 साल की मौज मस्ती, अपना सुख देखते हैं, तो आगे 50 साल तक यही पछतावा होगा कि काश मैंने उस टाइम पढ़ लिया होता, आज मेरे पास एक अच्छी जॉब होती, मैं भी कुछ पैसे कमा रहा होता, अपने परिवार के लिए कुछ कर रहा होता। इसलिए सबसे पहले स्टडी के बारे में जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ और मैं जो हूँ उतनी मेहनत के साथ वो काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट होते हैं, उनका कहना होता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने साधन नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां थी, इस कारण से मैं नहीं पढ़ सका, नहीं तो मैं कुछ बन जाता। ये सब अपने आप को सांत्वना देना है, ये सब बहाना बनाना है, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, उनके पास क्या सुविधाएं थी, क्या कोई वो बड़े पिता के पुत्र थे, उनके फादर कोई बहुत बड़े अमीर आदमी तो थे नहीं, जो बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में उनको पढ़ाया, बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाया हो, फिर जाकर के उन्होंने अपने पूरे देश में, अपने पूरे विश्व में नाम कमाया। नहीं, उनके पास भी उतने साधन नहीं थे कि, लेकिन उनके अंदर कुछ करने की क्षमता थी, उनके अंदर जुनून था कि नहीं मुझे कुछ बनना है, अपने देश के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, वो जुनून उनके लिए करा गया। इसलिए हमारे अंदर सबसे पहले एक जुनून होना चाहिए कि नहीं,
मुझे कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है जिसे हर कोई ना कर पाए, और डट करके उसी के ओर प्रयास करना है जो हमारा एम है, जो हमारा लक्ष्य है। साधन अपने आप जुटते जाएंगे। एक बहाना होता है, हमें वो नहीं देखना जो हमारे पास नहीं है, हमें वो देखना है जो हमारे पास है। आप सभी ने कैरेली के बारे में सुना होगा। कैरेली नाम का एक व्यक्ति था, 1938 की बात है, हंगोलियन आर्मी में था वो, और उस जैसा पिस्टल शूटर उसके देश में कोई नहीं था। इतना अच्छा शूट करता था, उसका निशाना पूरा परफेक्ट था, हंगोलियन आर्मी का, पूरे हंगोलिया का सबसे अच्छा शूटर माना जाता था। और उसका एक ही लक्ष्य था कि मुझे 1940 में अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लाना है, 1940 में होने वाले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है। 1938 की बात थी, एक आर्मी का कैंप चल रहा था, वो आर्मी में था और एक्सीडेंट में उसका राइट हैंड चला जाता है। अब व्यक्ति क्या सोचेगा, जिस हैंड को उसने बेस्ट हैंड बना लिया था, पूरी जीवन उसके लिए दिया था, मेहनत की थी कि नहीं मुझे इस हैंड को बेस्ट हैंड बनाना है, बेस्ट शूटर बनना है, पूरा हैंड अपना उसमें लगा दिया, बेस्ट कर लिया, और भाई हैंड उसके पास से चला गया। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, रोएगा, आत्महत्या करेगा, या उसी में डूबते हुए अपना जीवन निकाल देगा कि अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन नहीं, उसमें कुछ करने का जुनून था, जज्बा था कि मुझे कुछ करना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। जाकर के वो एक महीने तक उसका इलाज चलता है, एक महीने हॉस्पिटल में इलाज हुआ, राइट हैंड उसका पूरा चला गया। अब वो क्या करे, तो अब वो सोचता है जो मेरे पास नहीं है मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, जो मेरे पास है मैं उसके बारे में सोचूंगा। लेफ्ट हैंड अभी मेरे पास है, जिस लेफ्ट हैंड से उसने कभी लिखा भी नहीं था, कुछ नहीं कर सकता था, वो लेफ्ट हैंड से पिस्टल शूटिंग की प्रैक्टिस करता है और अपने निशाने को, अपने हैंड को, इस वाले हैंड को, लेफ्ट हैंड को बेस्ट बनाने का प्रयास करता है और लगातार मेहनत करता लगा लगातार मेहनत करता है। जब कोई भी चीज के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं तो उसमें सफलता मिल ही जाती है। और 1939 की नेशनल चैंपियनशिप चल रही थी, कैरेली पहुंच जाता है, देख करके और प्लेयर खुश होते हैं कि देखो, ये होती है प्लेयर वाली बात कि इतना कुछ होने के बाद भी इसके साथ इतनी बड़ी घटना घट गई, फिर भी कैरेली से कहते हैं आप हमें प्रोत्साहित करने आए हैं, आप हमारा मनोबल बढ़ाने आए हैं, आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं। वो कहता है मैं आपसे मनोबल बढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आपसे कॉम्पीट करने आया हूँ, लड़ाई करने आया हूँ, कॉम्पिटिशन होगा, उसमें आपके साथ कॉम्पीट करूंगा, देखते हैं कौन जीतता है, तैयार हो जाओ। ये वाली बात होनी चाहिए जिसमें जीतने की क्षमता है, और उसमें नेशनल चैंपियनशिप में वो जीत जाता है। अब उसका पूरा फोकस डाल देता है 1940 में होने वाले ओलंपिक पर, लेकिन वर्ल्ड वार की वजह से 1940 का ओलंपिक कैंसिल हो जाता है। अब वो अभी भी नहीं रुकता, यदि हमें जिस चीज में सफलता मिलने वाली और वो सफलता हाथ से छूट जाए तो व्यक्ति कहता है अब मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन वो आगे फोकट डालता है 1944 में होने वाले ओलंपिक पे। 1944 आता है, वर्ल्ड वार की वजह से वो ओलंपिक भी कैंसिल हो जाता है। वो यहाँ भी नहीं रुकता, 1948 में होने वाले ओलंपिक में अपना पूरा फोकट डाल देता है, पूरी मेहनत उसके लिए लगा देता है और दिन रात शूटिंग की प्रैक्टिस करता है। इसके बाद 1948 का ओलंपिक आता है। अब पहले वो 28 साल का था, 1948 में 38 साल का हो गया। नए नए प्लेयर आ रहे हैं, उनसे कॉम्पीट करना है, लेकिन फिर भी वो डटकर के तैयार खड़ा है, विश्वास है अपने अंदर कि नहीं मैं कुछ करूंगा। 1948 का ओलंपिक होता है और उसमें वो अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाता है। व्यक्ति जीत गया, उसको जो चाहिए था मिल गया। अब वो चाहे तो घर पर बैठ सकता है कि नहीं मुझे जो चाहिए था मिल गया, लेकिन वो अपने लक्ष्य को और थोड़ा आगे बढ़ाता है। कहता 1942 में जो होने वाला ओलंपिक, 1952 में जो होने वाला ओलंपिक, वो पूरा फोकस उस पर डाल देता है और उसमें भी जाकर के बहुत बड़ी घटना होती है, उसमें भी जाकर के वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत करके लाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारे अंदर ये मत देखो हमारे पास जो नहीं है, हमारे पास जो है उसको देख करके कुछ बनने का प्रयास करो। हम कुछ भी कर सकते हैं, ये शब्द अपनी जिंदगी से निकाल देना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकते, शब्द जिसने अपनी जिंदगी से निकाल दिया वो जीवन में कुछ भी कर जाएगा। क्योंकि जब तक हम अपने आप पे विश्वास नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक कुछ नहीं कर सकते, करना पड़ेगा। दोस्तों, बिना मरे स्वर्ग भी नहीं मिलता, जब तक हम बिना कुछ करेंगे नहीं तब तक हमें सफलता हाथ लगने वाली नहीं है। स्टूडेंट को यदि सफल बनना है, कुछ ऐसा करना है जो किसी ने ना किया हो, कुछ अच्छा करना है, तो उसके अंदर एक चीज होनी चाहिए, होनी चाहिए, कोई कहे भली ये गलत है, लेकिन एक चीज होनी चाहिए, वो है जिद। जिस व्यक्ति के अंदर जिद आ रही कुछ करने की, वो कुछ भी कर सकता है। एक छोटे से बच्चे को देखा होगा, उसको चॉकलेट चाहिए है, अब उसको चॉकलेट यदि नहीं मिल रही तो उसके लिए वो रोएगा, दूसरों से लड़ाई करेगा,
सामान फेंकेगा, कुछ भी वो करेगा, जब तक उसे चॉकलेट नहीं मिल जाएगी उसके पाने के लिए प्रयास करता ही रहेगा, ये उसकी जिद है। ऐसे यदि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं जिस चीज के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, जिस क्षेत्र के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, जब तक मैं उसके टॉप तक नहीं पहुँचता तब तक हमारे अंदर जिद रहेगी कि मुझे पाना है, इसको प्राप्त करना है, चाहे कुछ भी इसके लिए करना पड़े, पूरा 100% इसमें देना है, ईमानदारी के साथ उसको पाने का प्रयास करना है। जिद के बल पर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। महात्मा गांधी थे, दक्षिण आप सभी ने सुना होगा कि उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास की टिकट लेकर के फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे। तो उनसे कहा जाता है कि आपको अधिकार नहीं है कि आप फर्स्ट क्लास की टिकट लेकर के फर्स्ट क्लास में सफर करें, उनको ट्रेन से बाहर उतार दिया जाता है। बस गांधी जी को जिद आ जाती है कि आपने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला है, ट्रेन से बाहर किया है, मैं आपको अपने देश से बाहर कर दूंगा। और पूरे अंग्रेजों को उस जिद के बल पर देश से बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल करके फेंक देते हैं। मांझी का नाम सभी ने सुना होगा, दशरथ मांझी, बड़ी प्रेरणा उसकी कहानी से मिलती है कि व्यक्ति अपनी पत्नी का इलाज ही करा पाया, उसकी पत्नी मर गई क्योंकि उसके गांव से डॉक्टर के पास जाने का सीधा रास्ता नहीं था, एक पहाड़ बीच में आता था। बस उसको जिद चढ़ गई, जुनून चढ़ गया कि अब मैं इस पहाड़ को नहीं छोड़ूंगा, इसकी वजह से मैं रास्ता नहीं पा पाया, मैं इस पहाड़ को तोड़ दूंगा। और वो जुनून उससे क्या करा जाता है, इतना बड़ा पहाड़ उसको खोद करके बीच से रास्ता बना देता है। ये है जिद। ऐसी हमारे अंदर जिद चढ़ जाएगी, नहीं मैं इस चीज के लिए तैयारी कर रहा हूँ, इस चीज के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, इस पोस्ट को पाने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, तो जब तक मैं इस पोस्ट को प्राप्त नहीं करूंगा तब तक कुछ हो जाए मेरे लिए, बाकी काम बाद में है, पहले मेरा काम है उस पोस्ट को प्राप्त करना, उस तक पहुंचना। यदि हमें कुछ बनना है, दूसरों के लिए उदाहरण बनना है, तो हमें उदाहरणों से प्रेरणा लेनी पड़ेगी। आपने देखा होगा अक्सर हमारे घर वाले, हमारे मम्मी पापा पड़ोसी के बच्चे का उदाहरण देते हैं कि देखो उनके बेटे ने इतनी अच्छी जॉब प्राप्त कर ली, उनके बेटे ने ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया। अब उस समय हमें क्या सोचना है कि मेरे मॉम डैड उनका उदाहरण क्यों दे रहे हैं, मैं भी कुछ करूंगा, ये नहीं सोचना। मुझे ये सोचना है कि अब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरे पड़ोसी मेरा उदाहरण नहीं देंगे, मेरे सिटी में रहने वाले जितने लोग हैं, मेरे राज्य में जितने रहने वाले लोग हैं, मेरे पूरे देश में रहने वाले जितने लोग हैं, वो मेरा उदाहरण देंगे, मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपने कर्तव्य को पहचानना पड़ेगा कि जितना मेरा काम है मैं उतना ईमानदारी के साथ कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है हम वो काम कर रहे हो, मेहनत के साथ कर रहे हो, लेकिन सफलता नहीं मिल रही हो। कोई व्यक्ति होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अब उसने सोचा मुझे इस पोस्ट को पाना, उस पोस्ट के लिए उसने तैयारी की, कोचिंग में पढ़ाई की, दिन रात मेहनत की, लेकिन हो सकता है एग्जाम नहीं निकल पाया। अब वो क्या सोचेगा, शायद मैं इस पोस्ट के लायक नहीं हूँ, मेरे बस में नहीं कि मैं उस पोस्ट को प्राप्त कर पाऊं, मेरे अंदर इतनी योग्यता नहीं, उसको छोड़ देता है। अब सोचता है नीचे की पोस्ट के लिए तैयारी करूंगा, और नीचे के पोस्ट के लिए करता है, फिर ऐसी घटना घटती, फिर सोचता है और नीचे के लिए, ऊपर छोड़ ही देता है। अरे भाई असफलता मिलेगी, पहली बार में सफलता नहीं मिलती है, और जब तक असफलता ना मिले तब तक सफलता का भी मजा नहीं आता, जब तक हार ना हो तब तक हम जीत का मजा भी नहीं जान पाएंगे। यदि कोई पोस्ट हमें पहली बार में नहीं मिल पाई तो अगली बार ये सोचो अब कुछ हो जाए, इसके लिए और ज्यादा मेहनत करूंगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो रह गई थी जब मैं इस पोस्ट को प्राप्त नहीं कर पाया। क्रिकेट का गेम हो रहा है, 6 रन चाहिए हैं, 6 बॉल हैं, बैट्समैन खेल रहा है, एक बॉलर बॉलर की ओर से आई छूट गई, बीट हो गई, दूसरी आई छूट गई, तीसरी आई बीट हो गई, अब वो क्या करेगा, बल्ला छोड़ के छोड़ जाएगा क्या, अब मुझे नहीं खेलना, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बना पाऊंगा 6 रन। यदि ऐसा छोड़ के चल दे तो वो जीवन में कभी कुछ कर ही नहीं सकता। वो ये ना सोचे कि 3 बॉल निकल गई हैं, वो ये सोचेगा अभी मेरे पास 3 बॉल बाकी हैं। उसको सोचेगा चौथी भी निकल जाए, 5वीं भी निकल जाए, लेकिन जिसने हिम्मत नहीं आ रही वो निश्चित ही 6वीं बॉल पर सिक्सर लगा करके अपनी टीम को जिता ले जाएगा। ऐसी हमें करना, यदि कोई हमने जॉब एग्जाम की तैयारी की है, यदि एक बार ही निकल पाए तो दूसरी बार और ज्यादा प्रयास करेंगे, लेकिन अपने विश्वास को कम नहीं होने देंगे, अपने विश्वास को दृढ़ बना करके रखेंगे, वो कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोग कहेंगे कि नहीं इसने कुछ किया है, इसने कुछ ऐसा किया है जो और कोई नहीं कर सकता। दोस्तों जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। हमें संघर्ष करना सीखना पड़ेगा, स्ट्रगल करना सीखना पड़ेगा, और ये बात याद रखनी पड़ेगी हमें 2 या 3 साल की मेहनत, 1 साल की मेहनत,
एक अच्छी पोस्ट दिला सकती हो, हमारे आगे के 50 साल का फ्यूचर सुधार सकती है। ये बात हमें याद रखनी है, जब स्टूडेंट लाइफ में है तो हम चाहें तो उसको मौज मस्ती में भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जिंदगी के मजे लेने के लिए पूरे जीवन पड़ा है, कुछ भी कर सकते हैं हमें, लेकिन कुछ ऐसा करना है कि हम दूसरों को प्रभावित कर पाएं, दूसरे हमसे प्रभावित हों। दो तरह के व्यक्ति संसार में आते हैं, एक वो है जो जिंदगी को काटते हैं, जीना नहीं जानते, वो बिताते हैं केवल, और जो इस संसार से चले जाते तो कोई उनके बारे में पूछता भी नहीं है। और एक वो है जो इस संसार में आते हैं और अपनी ऐसी प्रस्तुति देते हैं कि उनके जाने के बाद भी लोग हजारों वर्ष बाद भी उन्हें याद रखते हैं। तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना है, लेकिन जब कुछ करेंगे तो डायरेक्ट वो चीज नहीं मिलेगी हमें, यदि सफलता मिलेगी तो पॉइंट बाई पॉइंट सीढ़ी बाई सीढ़ी हमें चढ़ना पड़ेगा। यदि हम चाहें कि हम सीधे सफलता प्राप्त कर लें, कोई चाहे कि मैं पढ़ाई करके निकला सीधे बहुत बड़ी कंपनी खोलूंगा, तो नहीं खोल सकते। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिन्हें किस्मत साथ देगी वो कंपनी खोलें और सक्सेसफुल हो जाए, नहीं, पहले मुझे जिस कंपनी को खोलना है उसका अनुभव लेना पड़ेगा, उसमें स्वयं जॉब करनी पड़ेगी, उसके लिए धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा और फिर इस योग को बनना पड़ेगा कि मैं भी बड़ा काम कर पाऊँ, मैं भी दूसरों को प्रभावित कर पाऊँ। दूसरों को प्रभावित करने के लिए एक बात बहुत जरूरी है कि हमें दूसरों से प्रभावित नहीं होना है। हम बहुत जल्दी बाहर से प्रभावित हो जाते हैं और अपने आप में बाहर से प्रभावित होकर के डीमोटिवेट हो जाते हैं। कैसे होता है, यदि हमारा कोई एक दोस्त है, हम उसके साथ पढ़ाई करते थे, रहते थे, और किसी कारणवश उससे हमारी लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तो हम क्या सोचेंगे, अरे मेरे दोस्त ने मेरे साथ झगड़ा कर लिया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हमने इतनी दोस्ती निभाई। उसी चक्कर में अपने 4-6 महीने 2-3 महीने उसी के सोच में उसी के बारे में बात करके बर्बाद कर देंगे। और सक्सेसफुल स्टूडेंट होगा वो क्या सोचेगा कि चलो जो हुआ तो हुआ, मुझे तो आगे बढ़ना है, मुझे यहाँ रुकना नहीं है, और आगे अपनी पढ़ाई करता रहेगा और ऐसी मेहनत करेगा कि जो उसे चाहिए था उसको प्राप्त कर लेगा। जो पसंद है हमें उसको हासिल करना सीखना है, जो पसंद है जिस दिन उसको हासिल करना सीख लिया उस दिन हम कुछ भी कर सकते हैं। तो सब स्टूडेंटों से यही कहूँगा कि अपने अंदर जिद लाओ, अपने अंदर जुनून लाओ, वो जज्बा आपसे कुछ भी करा देगा। और जब तक हम सफल ना हों, हमें 2-3 साल का अपना जीवन नहीं देखना है, हमें आगे के 50 वर्ष का जीवन देखना है। इसलिए कुछ ऐसा करो जो स्पेशल हो, लोग आपको याद रखें, और जो भी काम करो लोग अच्छे के लिए याद रखें, कोई बुरे काम के लिए याद रखने वाला काम हमें नहीं करना है। सभी स्टूडेंटों के लिए अपनी पढ़ाई करें और जीवन में कुछ ऐसा बने, कुछ अच्छा करें और कुछ विशेष करें जिससे लोग आपको याद रखें। बेस्ट ऑफ लक।